अब बिहार में अपराधियों की खैर नहीं, 103 फरार अपराधी हुए गिरफ्तार। डीआईजी के ऑपरेशन नकेल का दिखा असर। बिहार में एक बार फिर से सेंट्रल रेंज के डीआईजी राजेश कुमार एक्शन में आ गए हैं। अपराधियों को लेकर डीआईजी ने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। बढ़ते क्राइम ने उन्हें परेशान कर दिया था, इस वजह से उन्होंने ऑपरेशन नकेल चलाया था। डीआईजी राजेश कुमार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन नकेल के तहत बिहार पुलिस बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधियों पर नकेल कसने में सफल होती दिख रही है। पिछले एक हफ्ते में बिहार पुलिस ने इस अभियान के तहत लगातार फरार अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है। ऑपरेशन नकेल के तहत 11 फरवरी को पटना में फरार 103 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस अभियान के दौरान 8 देसी आर्म्स, 36 गोलियां, 56 लीटर अंग्रेजी शराब, 103 लीटर देसी महुआ शराब और 5 वाहन भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 37 वारंट और 21 कुर्की जब्ती का भी निष्पादन किया गया है। इसी दौरान ऑपरेशन नकेल के तहत 12 फरवरी को कुल 64 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस अभियान के दौरान तकरीबन 12 लीटर अंग्रेजी शराब, 85 लीटर देसी महुआ शराब और 3 वाहन बरामद किए गए। डीआईजी राजेश कुमार के ऑपरेशन नकेल से अपराधियों में खलबली मच गई है। कई अपराधी बिहार छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। राजेश कुमार के एक्शन में आने से बिहार में अपराध कम होने के आसार नजर आ रहे हैं। पूर्वांचल की ऐसी ही लगातार ताज़ा अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।